वेलकम टू माय चैनल हूँ स्टूडियो में हम बात करेंगे के बारे में एक इंटरेस्टिंग है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर्स आर्कियोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन हाउ पीपल ऑफ़ द पास्ट लाइट वर्क ट्रेडेड विद अदर्स मूड अक्रॉस द लैंडस्केप एंड बिलीव यानी कि यहाँ पे हम बात करें आर्कियोलॉजी की आर्कियोलॉजी ऐसी जिसमें बेसिकली जो है या जो पीपल हैं हैं भी आर्कियोलॉजिस्ट होते वो इंटरेस्टेड होते हैं, हैं कि पास में जो चीजें हुई पास में जो मटेरियल्स रह चुके हैं उनके बारे में ये लोग रिसर्च करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हिस्ट्री में लोग कैसे रह रहे थे उनकी इंटरेस्ट किस चीज़ में थी वो क्या चीज़ें पहनते थे कपड़े कैसे पहनते थे और उनकी सारी जो हिस्ट्री है उस पर रिसर्च करते हैं या कोई भी चीज़ रह गई हो या कोई मटेरियल उन्हें मिल जाए पास से रिलेटेड या जो भी उनके रिमेन्स होते हैं उन पे ये लोग स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट रिमेन्स मतलब कि उनकी जो चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हुई हैं जो चीज़ें वो यूज़ करते थे उनका कोई ना कोई निशान बाकी रह गया हो वो चीज़ें बेसिकली रिमेन्स हैं और वो चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो लोगों ने खुद क्रिएट की हों या फिर यूज़ करते हों ये सारी चीज़ें और जो रिमेन्स हैं उनको हम आर्ट भी कहते हैं और आर्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं टूल्स होते हैं क्लॉथिंग होती है डेकोरेशन होती है इसके अलावा और भी हो सकते हैं पोर्टेबल रिमेन्स वो होते हैं जिनको हम आर्ट कहते हैं और आर्ट में ये सारी चीज़ें होती हैं और नॉन पोर्टेबल रिमेन्स वो होते हैं जैसे पिरामिड्स हो गए पोस्ट होल्स हो गए या कोई भी फीचर्स जो हैं इस तरह के चीज़ें इनको हम फीचर्स कहते हैं और साथ ही साथ पिरामिड्स या हिस्ट्री से रिगार्डिंग इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हम नॉन पोर्टेबल कहते हैं तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम हिस्ट्री से मतलब जो चीज़ें उनको मिल रही हैं कैसे लोग रहते थे उनके प्लेसे, प्लेसेस कैसी थी क्या क्या चीज़ें उन्हें डेली लाइफ में मिलती हैं उनकी रिसर्च के थ्रू उनको मिलती हैं उन पर वो व बाकायदा रिसर्च करते हैं डिफरेंट लूज ढूंढते हैं कि इन पर क्या काम किया जा सके या उसको किस तरह से प्रजेंट किया जा सके ये बेसिकली काम होता है आर्कियोलॉजिस्ट का और इसकी सारी स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं आर्कियोलॉजी हम आगे आर्कियोलॉजी की भी डिफरेंट फील्ड्स हैं जैसे ये नहीं है कि मतलब सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो तो हैं एक ही चीज़ पे काम करें इसके डिफरेंट फील्ड्स हैं कुछ प्लांट्स पे काम करते हैं कुछ एनिमल्स पे करते हैं कुछ ह्यूमंस पे करते हैं कुछ जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं उन पर काम करते हैं तो इसके डिफरेंट फील्ड्स हैं आगे तो इंटरेस्टिंग सा इजी से कंसेप्ट था आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा मिस्टर रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है कुछ भी शेयर करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में